सब, तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरआर ब्लॉग्स। कहाँ था मैं? रास्ते पे ही था, हमें पता है। कमेंट पे मत लिखो। मैं एक जगह जाऊंगा, वो जगह का नाम है होलीग्राम डॉन बॉस्को स्कूल। उस स्कूल से हमारा बहुत 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 इमोशंस या दुख जो भी बोलो बहुत कुछ जुड़ा है, इसीलिए हम अभी उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसा चेंज हुआ है। मतलब कि अभी अपन 3 साल बाद वहाँ पे जाएंगे। वो एक्चुअली मेरा पुराना स्कूल भी है और उससे बहुत यादें भी जुड़े हैं। तो अभी हम रुके हैं रास्ते पे और रास्ते पे रुक के ये मतलब कि यहाँ कारीगरी कर रहे हैं, जो भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं उसी का नतीजा ये होता है कि क्या बोल रहे हैं अपन, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। साइड पे लाइट कम है, इस साइड पर। और मैं ये बोल रहा था कि अभी हम अपन जाएगा मेरा पुराना स्कूल, तो जाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक बहुत पुराने दोस्त। भाई मास्क हटा लेना भाई, मेरे को कोरोना नहीं है ब्रो। नहीं तब भी ना। तो इसका नाम है दीपकांत महतो, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, दीपकांत महतो। तो बहुत दिनों बाद अपन स्कूल जाएंगे, देखेंगे कि कैसा है ना है, चलिए चलते हैं। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो DM वहाँ पे अंकल से कुछ बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारे गेटमैन से। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पता कैसे होगा। हाँ यार, हमने थोड़े बताए हैं। तो आगे जाएंगे और देखते हैं किसी से मिलने को मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब कि पुराने टीचर जो भी हैं उनसे अगर मिलने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर मिलेंगे। अभी हमारे साथ है हमारा एक दोस्त का भाई, तो वो तो नहीं आया, इसका भाई आया। भाई इसलिए आया कि भाई तेरा एग्जाम है ना। एग्जाम है भाई, मैथ्स एग्जाम है, फटने वाला है। ये बोल रहा है कि मैथ्स का एग्जाम है और इसका फटने वाला है। सब्सक्राइब इस चैनल। ये हॉस्टल बिल्डिंग है और ये मतलब कि ये बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है, अभी तक नहीं बना। ये हम मतलब कि हम दोनों कोशिश करेंगे हमारे चर्च पे घुसने का। ये रहा अपना चर्च, कुछ इस तरीके का, मतलब कि चर्च में घुसना एकदम मना है, स्ट्रिक्टली सर ने ना कर दिया, तो अभी चर्च में तो अपन नहीं घुस सकते। ये बाहर से ही थोड़ा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा जीसस क्राइस्ट का मूर्ति जो कि चर्च के अंदर एकदम सामने है। चर्च में तो अपन नहीं घुस सकते, तो सॉरी। किसी और दिन आएंगे और चर्च में घुस के चर्च का एक व्यू लेने का कोशिश करेंगे। तो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह का नाम क्या है भाई? जगह का नाम बोल। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम कुछ बोलेगा? जगह का नाम नहीं है। जगह का नाम तो कुछ है नहीं बेसिकली। तो ये का नाम है, ये हाँ बोल, प्लेग्राउंड है। यहाँ पे हम लोगों का स्पोर्ट्स होता था, ठीक है। यहाँ पे अपन लाइन अप करते थे और ड्रिल विल करते थे ना भाई। तो यहाँ पे गार्डन है, ठीक है। ये अभी जिस स्पॉट पे एग्जैक्ट जिस स्पॉट पे हम आए हैं, यहाँ पे हम लोग का जब भी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, जब भी हम लोग का टिफिन टाइम होता था तब उधर से हम इधर आते थे भाग भाग के खाने के लिए। हम खाना तो टिफिन तो हम सभी लाते थे, टिफिन लाता था ना ब्रो, इसका टिफिन तो मैं ही खाता था यार, इसको क्या पूछने का। तो जो भी मिलता था यहीं से खरीद के और यहीं से खाएंगे। तो DM यहाँ पे कुछ बोलेगा तू ब्रो, कैसा लग रहा है, मतलब कि इतने दिन बाद आके कैसा लग रहा है बोल। वैसे ही लग रहा है। भाई गर्लफ्रेंड पटाया कि नहीं पटाया? नहीं ब्रो। क्यों नहीं पटाया भाई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, वो सब मैं विश्वास में नहीं करता। गर्लफ्रेंड पे विश्वास नहीं करता? नहीं। कैसा आदमी है? नहीं उसका बात नहीं, इस ब्लॉग में ब्लॉग है, ब्लॉगिंग चैनल है। ब्लॉगिंग चैनल है तो ये तो बनता है ना ब्रो, मतलब कैसे नहीं बना, किस लिए नहीं बना है? मेरा बस कोई जवाब नहीं। यहाँ पे भी हम क्रिकेट खेला करते थे इस जगह पे, वो जो वो वाला ही विकेट था और यहाँ से DM अपने को बॉल करता। हम दोनों का पार्टनरशिप कितना था ब्रो? 5 ओवर में 120 ठोके थे हम लोग। हाँ दोनों मिल, वो भी ड्यूस बॉल में, छोटा बाउंड्री था तब। यहाँ पे है और एक गार्डन, गार्डन के बीचों बीच हमें देखने को मिलता है एक एंजल, लुक्स रियली गुड। तो ये है हमारा पूरा बिल्डिंग। उस साइड पे एग्जाम चल रहा है तो इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं, लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये रहा अपना चर्च पूरा,
मैच में घुसने का कोशिश हम बहुत किए लेकिन हमें घुसने को नहीं दिया गया, अपने पास परमिशन नहीं है। तो ये है हमारा मदर मेरी का मूर्ति जो कि यहाँ पे बहुत बहुत टाइम से, मतलब कि जब से बनाया तब से। तो ये रहा वो पॉन्ड, ये वही जगह है जब भी हम कीचड़ से पूरा नीचे से ऊपर तक कीचड़ में डूबे रहते थे ना, तभी हम यहाँ पे आके नहाते थे। और नहाने के बाद ही हमें एंट्री मिलता था हॉस्टल में जाने का। वहाँ पे डीएम झूला झूल रहे, मेरे लिए स्विमिंग पूल था, तेरे लिए स्विमिंग पूल हुआ। ये डूब भी गया था एक बार इसी पॉन्ड में। अब तेरे को स्विमिंग आता है कि नहीं आता? स्विमिंग हाँ आता है। सच बोले या झूठ बोल रहा है? मैं सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। तो अभी चल चल पॉन्ड में जाके दिखा स्विमिंग आता है कैसा। अभी नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा। सो दिस इज द फुल व्यू ऑफ आवर स्कूल। फुल नहीं बोल सकते इसको ब्रो, बहुत ह्यूज है। बहुत देर तक चक्कर काटने के बाद हमें एक जगह मिला है जहाँ पे हम दोनों अपन लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे सीधा घर। घर चर्च अपने को अंदर से देखने को तो नहीं मिला, ठीक है बाहर से ही देख लिए। आप लोगों को दिखाना था, किसी और दिन दिखाएंगे। तो ब्लॉग कब आएगा? ब्लॉग कब आएगा अपने को क्या पता, आएगा जब आएगा। अंदर जाने को तो हमें मिला नहीं, अगर मिलता अंदर जाने का परमिशन तो अब दिखाते कि जितना कि ये बाहर से सुंदर है उतना ही ये अंदर से और सुंदर। अंदर क्या बोल रहे थे भाई, एंड कर दे वीडियो। हाँ वीडियो अब एंड कर दे, आप तो घुसने नहीं मिलेगा ना, एग्जाम चल रहा है। घुसने को तो एग्जाम नहीं चलता तो हम तो फाड़ के घुस जाता। फाड़ के कैसे घुसता, पेपर थोड़ी है, फाड़ के घुस जाता। जो भी था यही था वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ऐसा धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला, ऐसे धमकी वमकी मत दे जाकर। अभी टाइम हो गया है घर जाने का, और घर जाने से पहले हम हमारे स्कूल को अलविदा करेंगे। टाटा बाय बाय, फिर यहाँ पे आएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वहाँ से हमें बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। जब भी हम लोगों का महीने में एक बार हम लोगों का गार्जियन आता था तो वहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ रहता था, और वहाँ से जब भी कोई किसी का गार्जियन देख लेता था वहाँ से वो बंदा सीधा दौड़ते दौड़ते नीचे आता था और बोलता था कि भाई तेरा गार्जियन है, तेरा गार्जियन है। और ये जो फीलिंग तब हम लोगों को मिलता था, क्या ही बोले, ये सिर्फ एक हॉस्टलर ही जान सकता है। जो भी था यही था। वीडियो अच्छा लगे तो LSS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।